गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में जो सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें सेंट्रियोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात करेंगे। तो सेंट्रियोल जो है और जिसको क्या हिंदी में तारक काय या तारक केंद्रक कहा जाता है, तो सेंट्रियोल की सबसे पहले जो खोज है वो वान वेंडर ने 1887 में की थी तथा इसको सेंट्रियोल नाम जो है वो दिया है टी बॉबेरी ने 1888 में, ठीक है। और ये जो है एक पेयर के रूप में मतलब युग्म के रूप में क्या प्रेजेंट रहती हैं, तो जिसको क्या है कि डिप्लोसोम के नाम से जाना जाता है। और जैसे सेल के अंदर ये नियर द न्यूक्लियस केंद्रक के पास रहती हैं और वहाँ पर जो जिस क्षेत्र में ये प्रेजेंट रहती हैं वहाँ का जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्पेसिफाई होता है उस जगह का। और वहाँ पर क्या है कि इसको कवर किए हुए जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है, इसको जो घेरे रहता है उस एरिया को, उस क्षेत्र को जो कि डिप्लोसोम को घेरे रहता है, मतलब पेयर ऑफ सेंट्रोल को घेरे रहता है, उसको स्पेशली क्या नाम दिया जाता है, सेंट्रोस्फियर, ठीक है। तो सेंट्रोस्फियर क्या है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है जो कि क्या है डिप्लोसोम से मतलब पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को घेरे हुए, ठीक है। इसके बाद जैसे बात करें कि इनका जो ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं और यूकेरियोटिक सेल्स में भी जैसे जो लोअर प्लांट्स हैं या जैसे फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, या फिर एनिमल सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हर प्लांट्स हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या रहेगी, ये एब्सेंट रहेगी, ठीक है। तो ये जो है जैसे हर प्लांट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होगी वो सिलेंड्रिकल बेलनाकार रॉड शेप माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ सिचुएटेड रहती है, अपन ने पहले ही बताया कि न्यूक्लियस के पास सिचुएटेड रहती है। इसके अलावा दिलेक मेम्ब्रेन, मतलब ये मेम्ब्रेन नहीं होती इन पर, ठीक है, मेम्ब्रेन रहित होती है, कला रहित होती है। इसके साथ साथ इसमें डीएनए आरएनए भी नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जब एक सेंट्रियोल जो है एक फ्लैजिलम और सीलियम को धारण करती है तब इसका जो नाम होता है, तब इसको किस नाम से जानते हैं, बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फ्लैजिला सीलिया आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर बेसल बॉडी का नाम सुना होगा। तो बेसल बॉडी एक्चुअल में कोई अलग चीज़ नहीं है, बेसल बॉडी सेंट्रियोल को ही बोला जा रहा है। जहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रियोल है वो क्या धारण करेगी, कशाविका या जो पश्चिमविका है, ठीक है, सीलिया या फ्लैजिला उसको धारण करेगी, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसल बॉडी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अपन ने पहले बात करी थी कि ये जो है पेयर में प्रेजेंट रहती है, सेंट्रियोल है वो युग्म में प्रेजेंट रहती है, और सेंट्रियोल में जब प्रेजेंट रहती है तो इनको क्या है, सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जनरल। अब इसके बाद जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को अपन इस डायग्राम के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि अपन ने सेंट्रियोल के अनुप्रस्थ पार्ट ट्रांसवर्स सेक्शन का यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। और ये डायग्राम अपन देखने पर एक कार्ड व्हील, जैसे आपने जो है पहले जो गाड़ी चलती थी काठ की गाड़ी, है ना, उसके पहिए जो होता है ना, उस काठ की गाड़ी का जो पहिया होता है उसके जैसी क्या इसकी संरचना है, 9+0 जो अरेंजमेंट है फाइब्रिल्स का, कि इसके अंदर जो फाइब्रिल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो 9+0 होता है। 9 से मतलब ये है कि जैसे जो सेंट्रल हब है, जो रॉड है, उससे क्या 9 स्पोक्स तंतु निकलते हैं। इसे आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 क्या है, ये पेरिफेरल जो स्पोक्स निकले हुए हैं, तंतु निकले हुए हैं, पेरिफेरल जो फाइबर्स निकले हुए हैं, फाइब्रिल्स निकले हुए हैं। तो ये तो 9 हो गए, तो इसके लिए इसको क्या 9+0 अरेंजमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि 9 जो होते हैं वो पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं जो कि क्या है पैरेलली रन करते हैं और ये एक दूसरे से 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करेंगे रन करेंगे, ठीक है।
दूसरा सेंटर में जो है, जो सेंट्रल हब है उसके अंदर क्या है, कोई भी फाइबर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर फाइबर जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या है 9+0 अरेंजमेंट कहा जाता है। इसके बाद जैसे आगे देखें कि जो ईच जो फाइब्रल है वो फिर आगे जा करके 3 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। जैसे इसमें अपन चले एक एक में देखें तो एक में क्या है 3 सब यूनिट है, जैसे ये आप देख रहे हो 3 सब यूनिट है, और ये अंदर से बाहर की तरफ ए बी सी के क्रम में क्या अरेंज रहती है, अंदर से बाहर की तरफ ए बी सी, ठीक है। और इसके अंदर भी जो सब फाइबर्स हैं, जो 3 सब फाइबर है, इसलिए क्या इसको ट्रिपलेट के नाम से भी, ट्रिपलेट फाइबर फाइबरस के नाम से भी जाना जाता है। और 3 सब फाइबर में से जो ए सब फाइबर होता है वो कंप्लीट होता है, बाकी बी और सी जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, और ये एक्चुअल में किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। और जो समीपस्थ जो ये सब फाइबर्स हैं वो दूसरे वाले से जो एसी लिंकर है, ये वाली एसी लिंकर है, इसके द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब आगे वाले का जो सी सब फाइबर है वो पिछले वाले के ए सब फाइबर से एक एसी लिंकर जो कि लिंक है, कनेक्टिंग है, उसके द्वारा क्या ये जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ जैसे जो प्रत्येक जो फाइब्रल होता है उसमें कुछ थिकनिंग पाई जाती है, कुछ स्टूलन पाए जाते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हो ये एक्स स्टूलन है, और ये एक्स स्टूलन क्या है, जो ये सब फाइबर है उससे जुड़ने से पहले जो मतलब ये स्पोक है उसमें एक जो थिकनिंग है ये वाली, ये एक्स थिकनिंग है। इसके साथ साथ एक दूसरी थिकनिंग और दिखाई गई है, बाई थिकनिंग। तो बाई थिकनिंग क्या है, ये बाई थिकनिंग जो है एक तरफ तो मतलब किससे जुड़ रही है, एक्स जो है उससे कनेक्ट हो रही है, और दूसरी तरफ जो है जो एसी लिंकर है उस एसी लिंकर से भी क्या होती है, कनेक्ट रहती है। तो ये दो थिकनिंग है, जैसे एक्स थिकनिंग है, एक्स थिकनिंग जो है जो मतलब तंतु है, जो फाइबर है उसका ए सब फाइबर से कनेक्ट होने से पहले स्थित होती है, और दूसरी जो है बाई जो थिकनिंग है वो जो है जैसे दो जो तंतु है जो फाइबर है उनके बीच में सिचुएटेड रहती है, और ये एक तरफ से क्या एक्स तंतु से जो एक्स जो थिकनिंग है उससे जुड़ी रहती है, और दूसरी तरफ एसी लिंकर है उससे क्या जुड़ी रहती है। इसके बाद जैसे ये इसकी स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मान लीजिए स्ट्रक्चर में क्या है कि सेंटर में तो कोई फाइबर नहीं है, ठीक है, बाकी 9 पर दिए फाइबर है इसमें, ठीक है, 9 पेरिफेरल फाइबर्स हैं, ठीक है, और प्रत्येक जो फाइबर है वो फिर 3 सब फाइबर होते हैं उसमें, जिनका नाम दे रखा है ए बी सी, ए कम्प्लीट होता है और बी और सी होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं सब फाइबर, ठीक है। इसके बाद ये जो है एसी लिंकर के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, थिकनिंग होती है एक्स और वाई जिनकी अपन ने अपनी बात की है। अब इसके बाद जैसे इसके फंक्शंस की बात की जाए कि सेंट्रियोल के फंक्शंस क्या होते हैं, तो सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन है वो होता है स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस। जो तर्कु तंतु होते हैं जैसे आपने माइटोटिक या म्यूटिक डिवीजन पढ़ा हो, सेल डिवीजन पढ़ा हो, तो उसमें क्या है कि स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होते हैं, और ये स्पिंडल एपरेटस क्या करते हैं, जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसके सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, और सेंट्रोमियर से जुड़ करके उनको अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है स्पिंडल एपरेटस का जो काम है वो क्या है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना है, सेल डिवीजन में हेल्प करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रियोल हैं वो सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो सेंट्रोसोम के जो दोनों सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, और वहाँ से फिर जा करके उनसे क्या होगा, स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होंगे, और स्पिंडल एपरेटस के जो एक्सटर्नल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, और सेंट्रोमियर से जुड़ करके क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है फाइनली जो है वो डिवाइड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो इस प्रकार से ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जिनमें स्पिंडल एपरेटस फॉर्म नहीं होता है या तो उनके अंदर क्या है माइटोटिक डिवीजन डिले हो जाता है, या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सेल्स के अंदर डिवीजन से रिलेटेड डिले हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सेल्स के डिवीजन में हेल्प करना है।
ठीक है। दूसरा जो है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि इसको बेसल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, तो बेसल बॉडी का मतलब यह है कि जब सीलिया या फ्लैजिला, ठीक है, सीलियम और फ्लैजिलम जब इससे क्या जनरेट होती है, तब सेंट्रियोल जो है उसी को बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं कि सीलियम और फ्लैजिलम है, उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेंट्रियोल से हो रहा है, और उस केस में उसका जो नाम है वो क्या है, बेसल बॉडी। और जो सीलिया और फ्लैजिला है, तो वो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि सीलियम और फ्लैजिलम जो है वो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशन में जब ये सीलियम और फ्लैजिलम फॉर्म करते हैं, तो लोकोमोशन और मूवमेंट में भी क्या है, जो सेंट्रियोल है या बेसल बॉडी, वो क्या हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसके जो फंक्शंस हैं वो अपन समझ में आ जाने चाहिए। स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। इसकी डिस्कवरी किसने की, नाम किसने दिया, न्यूक्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोस्फीयर क्या होता है, कौन सी सेल्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, कौन सी में एब्सेंट रहते हैं, किस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है, 9+0 अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, और लास्ट में आकर के इनके जो फंक्शंस हैं, और मेनली जो फंक्शंस हैं, एक स्पिंडल एपिकोटस फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बेसल बॉडी के फॉर्म में जो सेंट्रियोल होती है उससे सीलियम और फ्लैजिलम क्या होती है, डेवलप होती हैं, जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या हेल्प करती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो वीडियो है वो आपके समझ में आ जाना चाहिए, और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।